दोस्तों, अगर आप भी एक लैपटॉप की परचेजिंग करना चाहते हैं और ऐसा में अगर आपके पास मनी का प्रॉब्लम है यानी कि इनकम का प्रॉब्लम है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप लोन पर यानी कि ईएमआई पर किसी भी रेंज की, चाहे वो कम रेंज की हो या हाई रेंज की हो, आप लैपटॉप की परचेजिंग लोन पर यानी कि ईएमआई पर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि आप लोन पर यानी कि ईएमआई पर किसी भी रेंज की लैपटॉप की परचेजिंग किस तरह से कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको दो स्टेप बताएंगे ईएमआई यानी कि लोन पर किसी भी तरह की लैपटॉप की परचेजिंग करने के लिए। तो पहला स्टेप ये है कि ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन परचेजिंग करना चाहते हैं तो इसमें आपको क्या सब डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस तरह से आप कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट से करेंगे, कितना आपको ईएमआई भरना पड़ेगा, उसके साथ साथ डाउन पेमेंट आपको कितना करना पड़ेगा किसी भी रेंज की लैपटॉप की परचेजिंग करने के लिए। और दूसरा स्टेप यह है कि ऑफलाइन, तो आप ऑफलाइन कहाँ से परचेजिंग कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन किसी भी तरह की किसी भी रेंज की लैपटॉप की परचेजिंग करना चाहते हैं ईएमआई पर लोन पर, तो वहाँ पर आपको क्या सब डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितना ईएमआई भरना पड़ेगा, कहाँ से आप परचेजिंग कर सकते हैं, कितना आपको डन पेमेंट करना पड़ेगा, ये सब सारे कंप्लीट प्रोसेस आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सो इस वीडियो को फुल वॉच करने के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह के डाउट्स रह जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन की आंसर 100% जरूर देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विक्की मिश्रा, आप देख रहे हैं टीजी विक्की। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप ऑनलाइन किस तरह से परचेजिंग कर सकते हैं, उसके बाद इसी वीडियोस में आगे बात करेंगे कि अगर आप ऑनलाइन परचेजिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन किस तरह से परचेजिंग और कहां से कर सकते हैं। सो ऑनलाइन परचेजिंग करने के लिए बहुत सारे वेबसाइट हैं, जैसे कि अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, तो वहाँ पर आप जाइए उस वेबसाइट पर, वहाँ से आप अपनी लैपटॉप की च्वाइस कीजिए, फिर वहाँ पर आपको एक ईएमआई का ऑप्शन मिल जाएंगे। ईएमआई के ऑप्शन मिलने के बाद पर अपना उस बैंक को सेलेक्ट कर लेना है जिस बैंक अकाउंट के क्रेडिट कार्ड आपके पास हो। उसके बाद आप वहाँ से ईएमआई पर अपना मंथली हिसाब से बना करके कि आप कितना करके ईएमआई भर सकते हैं, उस हिसाब से आप अपनी लैपटॉप की परचेजिंग कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड होना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ही आपको मिलेंगे। अब मान लीजिए आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप वहां से परचेजिंग नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आप ऑफलाइन परचेजिंग कर सकते हैं। तो अब ऑफलाइन कहां से करेंगे, तो ऑफलाइन परचेजिंग करने के लिए आप जिस कंपनीज के लैपटॉप की परचेजिंग करना चाहते हैं उस कंपनीज के स्टोर में जाइए, आप अपने शहर में, आप अपने गाँव में, जहाँ पर भी स्टोर होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप अगर चाहेंगे कि हम बिहार से हैं और हम लेंगे उत्तर प्रदेश में जाकर के, यूपी में जाकर के, तो ये नहीं होगा, ये आपके लोकल एरिया में ही होगा। मान लीजिए आप वेस्ट बंगाल में हैं तो आप वेस्ट बंगाल में ही ले सकते हैं, ठीक है, अदर स्टेट में आप जाकर के नहीं ले सकते। तो वहाँ पर आप अपने शहर में जाइए, बहुत सारे स्टोर मिल जाएंगे जिस कंपनीज के लेना चाहते हैं। उस कंपनीज के स्टोर में जाने के बाद आपको डॉक्यूमेंट क्या सब लगेंगे, तो सबसे पहले आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है, और पैन कार्ड का सिविल स्कोर जो है 750 प्लस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 750 से नीचे रहेगा। अब यहाँ पर इफेक्ट क्या होता है, अगर 750 या 700 से नीचे रहेगा तो आपको डाउन पेमेंट जो है 30% करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके सिविल स्कोर पैन कार्ड के अच्छे रहेंगे तो आप जीरो डाउन पेमेंट पर भी ले सकते हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट हो गया पैन कार्ड। अब दूसरा डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे कि आपके किसी भी बैंक में अकाउंट होना चाहिए जिसमें नेट बैंकिंग होना चाहिए, ठीक है, जिस बैंक में नेट बैंकिंग सिस्टम है उस बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए, और उस बैंक अकाउंट के आपके पास एक चेकबुक होना चाहिए। उसके बाद ही आप फाइनेंस करवा करके उस कंपनी से आप लोन पर यानी कि ईएमआई पर परचेजिंग कर सकते हैं किसी भी तरह की लैपटॉप की। उसके अलावा आपके और भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे। आप अगर ऑनलाइन करेंगे तो आपको क्रेडिट कार्ड लगेंगे, और अगर मान लीजिए आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप उसके स्टोर में जाइए जिस कंपनी के लेना चाहते हैं, उस स्टोर में जाने के बाद आप वहां से फाइनेंस करवा सकते हैं, और फाइनेंस करवाने के बाद आपके पास जो है सो पैन कार्ड और बैंक का चेकबुक होना चाहिए, ठीक है, और कोई डॉक्यूमेंट आपके नहीं लगेंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह के डाउट्स हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके मन में ये भी डाउट्स हैं कि आप कहां से परचेजिंग करेंगे, आप कैसे खोजेंगे कि कहां पर ईएमआई पर मिलता है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बता देंगे स्टेप बाय स्टेप
कि आप किस तरह से ढूंढ सकते हैं, किस तरह से खोज सकते हैं कि आपके शहर में, आपके सिटी में कहां पर में ईएमआई पर मिल रहा है। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।